जुड़वा बच्चों को लेकर और भी कई कौतूहल लोगों के मन में बना रहता है। शादी के लंबे समय के बाद कपल जब बच्चे प्लान करते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में पहली चीज आती है कि काश जुड़वा बच्चे हो जाएं। माता पिता बनना हर इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। ऐसे में जब किसी महिला को जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस हो जाते हैं तो घर पर खुशी का माहौल दोगुना हो जाता है। वहीं इसका एक फायदा भी है कि जुड़वा बच्चा करने के बाद किसी भी महिला को बार बार प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन से गुजरना नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर आप जुड़वा बच्चे चाहते हैं तो आज हम आपको इसका बेहद सरल उपाय बताएंगे। येम फल का उपयोग। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार येम फल का सेवन करें। जी हाँ, प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान येम फल का सेवन करने से आपको जुड़वा बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि काफी कम लोगों ने इस फल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये फल बाजार में मिल जाते हैं। इसे खाने की वजह से ओव्यूलेशन के लिए एक से अधिक अंडा रिलीज होता है, जिसके साथ दो बच्चे होने की संभावना ज्यादा होती है। दूध से बने पदार्थ खाएं। जो भी गर्भवती महिला दूध से बनी किसी भी चीज का सेवन ज्यादा करती है, उनको जुड़वा बच्चे होने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सामान्य रूप से IVF के जरिए गर्भधारण करने वाली 20-40% महिलाएं एक बार में एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं। इसकी मुख्य वजह ये होती है कि इस दौरान महिला की योनि में एक से ज्यादा निषेचित अंडे डाले जाते हैं। ऐसे में IVF की मदद से आप जुड़वा बच्चे पा सकती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां। यूं तो प्रेगनेंसी रोकने के काम आती हैं, लेकिन इसके सेवन से भी जुड़वा बच्चे की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल जब आप गोलियां खाना बंद करते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत के किसी मंगली साइकिल के दौरान शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल बदलाव आए, जिसके चलते इन गोलियों को खाते हुए भी आपके दो गर्भ ठहरने की संभावना अधिक हो जाती है। 30 से लेकर 35 होती है सही उम्र। कहा जाता है कि कम उम्र में जुड़वा बच्चे पैदा करने की संभावना कम होती है। जी हाँ, मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जुड़वा बच्चे करने की सही उम्र 30 से लेकर 35 के बीच होती है। जिस महिला की उम्र 30 या 35 से ऊपर होती है, वह महिला FSH का अधिक उत्पादन करती है। इस हार्मोन का स्तर जितना अधिक रहेगा, उतना ही ज्यादा जुड़वा बच्चे होने की संभावना रहती है। तो ये थे जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस पाने के कुछ आसान से टिप्स। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।